बैक टू द बियर्डेड छोकरा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं हेयर, स्किन और बियर्ड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस करता हूँ। मैं प्रोडक्ट रिव्यूज करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस भी करता हूँ और इंटरव्यू सीरीज भी हाल ही में चालू की है। तो अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपके लिए दो इवनिंग प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। इवनिंग प्रोडक्ट्स, यस इवनिंग प्रोडक्ट्स। इसे मैं इवनिंग प्रोडक्ट्स क्यों कह रहा हूँ ये आप थोड़ी देर में ही समझ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आप लोग यानी कि मेरे व्यूअर्स आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ और वो है अर्बन गबरू का रिबेल हेयर वैक्स। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो हेयर वैक्स है उसकी प्राइस पैकेज पे 400 रुपीज़ लिखी गई है लेकिन आपको ये अमेजोन पे 350 रुपीज़ पे मिल जाएगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 75 ग्राम्स। इसके अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ओनली अ स्लाइट कॉस्मेटिक इशू जहाँ उसकी जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी सी निकल रही है, बट दैट डज नॉट डैमेज द प्रोडक्ट इन एनी वे। फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो फ्रेग्रेंस में आई लाइक टू गिव 3 to 3.5 out of 5 क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी एक स्लाइट सिट्रस फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत पसंद है, बट वो टोटली एक सिट्रस फ्रेग्रेंस नहीं है। इसके अंदर बाकी भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस इसकी ऑल्टर हो रही है। तो इंग्रेडिएंट्स की बात की है तो सीधा चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब अगर आपने इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसमें कम्प्लीटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं और इसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाला गया है, वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT। अब मुझे इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया और अगर आपने लगाया तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो प्रिजर्वेटिव होना ज़रूरी है। अब ये जो प्रिजर्वेटिव डाला गया है, अगर आपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ बालों पे लगाया है देन देर इज़ नो इशू एट ऑल, बट अगर आपने स्किन के कॉन्टैक्ट में लाया है तो आई वुड रिकमेंड अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट। दूसरा हमने जो देखा है इंग्रेडिएंट्स के अंदर इज़ वी हैव शेया बटर। शेया बटर इज़ अ ब्रिलियंट इन्ग्रीडियंट एंड शेया बटर इज़ अ नेचुरल हीट प्रोटेक्टेंट एंड अ यूवी प्रोटेक्टेंट एज वेल। शेया बटर के अंदर कम मात्रा में SPF फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो यूवी रेज को भी ब्लॉक कर सकता है और आपके बालों को और आपके स्किन को ज़्यादा हीट से भी बचा सकता है। अब जो मेरा प्रॉब्लम इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में इस प्रोडक्ट के साथ है वो है लाइम ऑयल। जब मैंने अर्बन गबरू टीम से बात की, उनसे पूछा कि कौन सा लाइम ऑयल डाला गया है, सो दे सेड दैट इट इज़ अ लाइम ऑयल विच हैज़ बीन कोल्ड प्रेस। अगर आप मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लाइम ऑयल इज़ कंसिडर्ड अ सिट्रस ऑयल और जितने भी सिट्रस ऑयल्स होते हैं वो फोटोटॉक्सिक होते हैं। फोटोटॉक्सिक मतलब वो यूवी रेज को और ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से आपकी स्किन को आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने फाइंड आउट किया कि कोल्ड प्रेस्ड लाइम ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड लाइम ऑयल इज़ फोटोटॉक्सिक। सो अगर मैं इस प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज करता तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल्ड प्रेस लाइम ऑयल आई वुड यूज़ स्टीम डिस्टिल्ड लाइम ऑयल। स्टीम डिस्टिल्ड लाइम ऑयल में फोटोटॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जो कंपाउंड जिसकी वजह से ये पूरी फोटोटॉक्सिसिटी होती है वो स्टीम डिस्टिल्ड प्रोसेस के अंदर वो निकल जाती है। तो अब मैं आपको ये प्रोडक्ट लगा के दिखाता हूँ। और एक चीज़, ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड वैक्स होने के वजह से अगर आपके पास थिन हेयर है तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट ना यूज़ करें, थोड़े से स्टार्ट करें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपके बालों को बहुत ऑयली कर सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तो। तो मेरे बाल थिन है और अभी फ़िलहाल अनप्लग्ड है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है उसके अंदर, तो मैं काफ़ी कम प्रोडक्ट यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ किया था मैंने और काफ़ी अच्छी शाइन आ चुकी है एंड आई कैन फील इट, माई हेयर हैव बिकम थिकर एंड होल्ड इसकी जैसे कि डब्बे पे लिखा है स्ट्रॉन्ग होल्ड
मैं इसे मीडियम होल्ड कहूँगा, आई थिंक इट्स बेस्ट एट मीडियम होल्ड। ये आपके बालों को बहुत मैनेजेबल रखता है। मुझे कभी भी स्टाइल चेंज करना हो, मुझे कैसे भी अपने बाल करने हो, आई एम अलाउड टू डू इट। ये जेल या क्ले के जैसे काम नहीं करता। सो वॉट इज़ द कंक्लूजन, मुझे ये प्रोडक्ट कैसे लगा? सबसे पहली बात, बिकॉज दिस इज़ एन ऑल नेचुरल प्रोडक्ट, आई लव्ड यूजिंग दिस प्रोडक्ट एज अ थिंग दैट आई कैन अप्लाई टू माई हेयर, जिससे बाल नरिश हो। मैं इस प्रोडक्ट को तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे बहुत मेरे बाल फ्रिजी लगते हैं या ड्राई लगते हैं। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा लगाने के बाद इमीडिएटली दैट प्रॉब्लम वैनिशेस, मेरे बाल ऑटोमेटिकली उसमें शाइन बहुत अच्छी आ जाती है, थिकनेस आ जाती है। दूसरी जो चीज़ है, ये एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आप इसे एज अ प्री स्टाइलर यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। एज अ पोस्ट स्टाइलर अगर आपको शाइनी स्लीक लुक पसंद है तो देन दिस वर्क्स रियली वेल। और एक चीज़, इसको धोने के लिए आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सिर्फ पानी से नहीं निकलने वाला। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई वुडेंट रिकमेंड कि आप इसे लगा के बालों में सो जाए, क्योंकि ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है और आपको इचिंग हो सकती है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है? मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपको ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कम से कम सिंथेटिक केमिकल्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, उसकी होल्ड अच्छी हो, फ्रेग्रेंस से आपको इतना ज़्यादा लेना देना ना हो, और नरिशमेंट फैक्टर आपको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप जाके ये वैक्स खरीद लें। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि एंड में आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज है। अब ये जो है वो है अर्बन गबरू का बियर्ड ऑयल। ये मेरे पास पुराना वर्जन है इसका, नया वर्जन अमेज़ॉन पे लॉन्च हो चुका है, उसकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं। नए वर्जन में उन्होंने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का चेंज किया है और पैकेजिंग की चेंज की है। तो ये बियर्ड ऑयल जो मेरे पास है वो पहले 300 रुपीज़ में आता था, बट अब 350 रुपीज़ उसकी प्राइस हो चुकी है अमेज़ॉन पे। क्वांटिटी जो आपको मिलती है वो है 30 ml। फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो आई गिव इट अ 3.5 out of 5। एक मिंटी फ्रेग्रेंस है इसकी। अब ये जो मेरे पास बियर्ड ऑयल है पुराना वाला, उसमें मिंटी फ्रेग्रेंस है, काइंड ऑफ लाइक टूथपेस्ट। बट जो नया प्रोडक्ट है, मैंने अर्बन गबरू टीम से कॉन्टैक्ट किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली ऑरेंज फ्रेग्रेंस है और उन्होंने मेंथॉल डाला है उसके अंदर टू गिव यू दैट फ्रेश कूल फीलिंग। तो अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो अगर आपने देखा होगा तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, अगेन वेरी वेरी नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स, लेकिन अगेन ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। मैंने अगेन कॉन्टैक्ट किया टीम को, पूछा कि कौन सा ऑरेंज यूज़ किया है, बिटर ऑरेंज है या स्वीट ऑरेंज है, तो मुझे पता चला बिटर ऑरेंज है। अब बिटर ऑरेंज की भी सेम सिट्रस ऑयल्स जैसी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने उसे कोल्ड प्रेस्ड यूज़ किया है तो वो फोटोटॉक्सिक है। सो अगेन, अगर मुझे इस प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना होता तो मैं वो बिटर ऑरेंज इधर स्टीम डिस्टिल लेता, नहीं तो उसे स्वीट ऑरेंज ऑयल ले लेता। स्वीट ऑरेंज में कोल्ड प्रेस्ड और स्टीम डिस्टिल्ड में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही नॉन फोटोटॉक्सिक होते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट के कंक्लूजन पे आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेग्रेंस इज ओके, नए वाले की ऑरेंज फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपको ऑरेंज फ्रेग्रेंस पसंद है तो वेल एंड गुड। शाइन जो ये प्रोवाइड करता है वो बहुत ही अच्छा है। सो ये जो बियर्ड ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल प्रोडक्ट है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसमें बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट्स डाले गए हैं, लेकिन हर एक इन्ग्रीडियंट बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग, बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है। सो यू कांट गो रॉन्ग विद दीज इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट वाइज भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक्सेप्ट फॉर द बिटर ऑरेंज पार्ट। बिटर ऑरेंज पार्ट अगर चेंज हो सकता है सो देन देर इज़ नथिंग लाइक इट। बट नाउ कम्स द इवनिंग प्रोडक्ट्स वाला पार्ट। मैंने ये इवनिंग प्रोडक्ट्स इसीलिए कहा था कि अगर आपने ये दोनों प्रोडक्ट लगा के डायरेक्ट सनलाइट में गए तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, बाल डैमेज हो सकते हैं और बालों की डिसकलरेशन भी हो सकती है। अगर आपने इसे इवनिंग के बाद लगाया है देन देर इज़ नो इशू एट ऑल, और अगर आप इसे लगा के घर में रहने वाले हैं देन अगेन देर इज़ नो इशू एट ऑल।
सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस बियर्ड ऑयल के बारे में क्या है? आई फील दैट दिस बियर्ड ऑयल इज वेरी फंक्शनल. जितना काम बियर्ड ऑयल का होना चाहिए वो सारा काम ये करता है. बट मुझे लगता है कि 300 rupees वॉज अ बेटर प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट. बट अब तक जो वीडियो में बने रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर, आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स क्लोज टू 300 rupees में पड़ सकते हैं. तो अगर आपने छोकरा 40 ऑल कैपिटल्स ये अगर आपने चेकआउट के टाइम पे टाइप किया पोन कोड की जगह पे, तो आपको 40 rupees ऑफ मिल जाएंगे. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11%. ये वीडियो लॉन्च होने के डेट से एक हफ्ते तक ही ये कूपन कोड वैलिड है. तो जल्द से जल्द जाइए और दोनों प्रोडक्ट्स खरीदिए. कूपन कोड, लिंक्स टू परचेसिंग बोथ दीज प्रोडक्ट्स और इनकी वैलिडिटी डेट सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें. मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिंक्स और सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है. तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.